Hello everybody, I am Poonam Singh, the faculty of KCMT. Today we are talking about women education. Women education means Nari Siksha. First, we are talking about need of women education in modern India. नारी शिक्षा की आधुनिक भारत में आवश्यकता. वी नीड वुमेन वो आर सो स्ट्रांग दे कैन बी स्ट्रॉ जेंटल सो एडुकेटेड दे कैन बी हम्बल सो फियर्स दे कैन बी कंपैशनेट सो पैशनेट दे कैन बी रेशनल एंड सो डिसिप्लिन दे कैन बी फ्री. इट इज़ सेड बाय कविता रामदास. The meaning of women education. Women education refers to every form of education that aims at improving the knowledge and skill of women and girls. It includes general education at schools and colleges, vocational and technical education, professional education, health education, etc. Women education encompasses both literacy and non-literacy education. Women education अर्थात नारी शिक्षा से अर्थ नारी को दी जाने वाली ऐसी शिक्षा से है, ऐसे ज्ञान से है जो कि उसके ज्ञान में उसके कौशल में वृद्धि कर सके. यानी कोई भी स्त्री चाहे वो एडुकेटेड हो चाहे वो अनएडुकेटेड हो उसके ज्ञान या कौशल में वृद्धि करे ऐसी शिक्षा को विमेन एजुकेशन यानी नारी शिक्षा कहा जाता है. इट इंक्लूड जनरली एजुकेशन एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन. ऐसी एजुकेशन में स्कूल या कॉलेजेस में दी जाने वाली शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल या टेक्निकल शिक्षा या प्रोफेशनली शिक्षा या शारीरिक शिक्षा को इसमें शामिल किया जा सकता है. Women education encompasses both literacy and non-literacy education. यानी जो साक्षर है उसको दी जाने वाली शिक्षा और जो साक्षर नहीं है उसको दी जाने वाली शिक्षा दोनों को ही women education के अंदर समाहित किया जा सकता है. जैसे कि जो साक्षर हैं यानी जो पढ़े लिखे हैं या जो पढ़ रहे हैं स्कूल या कॉलेजेस में उनको टेक्निकली या प्रोफेशनली हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो तो वुमेन एजुकेशन है ही. साथ साथ जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं जैसे कि गांव की लेडीज़ जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ बिजनेस करती हैं या फार्मिंग वगैरह जितने भी छोटे मोटे जितने भी सारे रूरल हमारे काम होते हैं गाँव या छोटे काम या घर में करने वाले काम जिससे व्यापार को वहाँ गांव की औरतें मदद करती हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं उसके बावजूद भी उन्हें प्रोफेशनली शिक्षा जो दी जाती है जो उनके व्यापार या उनके काम में वृद्धि कर सके उनके नॉलेज में वृद्धि कर सके वो भी वुमेन एजुकेशन के अंदर हम लोग शामिल करते हैं. बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन यानी नारी शिक्षा की इम्पोर्टेंस यानी महत्व क्या है. द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन आर ब्रीफली समराइज बिलो. फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी. नारी शिक्षा की आवश्यकता इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए आवश्यक होता है. दूसरा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आर्थिक सशक्तिकरण मतलब आर्थिक रूप से शक्तिशाली होने के लिए भी वुमेन एजुकेशन ज़रूरी है. तीसरा इम्प्रूव लाइफ यानी अपनी लाइफ यानी जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी वुमेन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. चौथा इम्प्रूव हेल्थ यानी स्वास्थ्य के सुधार के लिए या अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी वुमेन एजुकेशन ज़रूरी है. डिग्निटी एंड ऑनर. डिग्निटी सम्मान या हमारी जो रिस्पेक्ट है समाज में जो जगह है उसको बनाने रखने के लिए भी नारी शिक्षा की आवश्यकता है. छठा जस्टिस यानी न्याय. नारी शिक्षा
न्याय, समाज में न्याय की स्थिति को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सेवेंथ, चॉइस टू चूज़ अ प्रोफेशन ऑफ हर चॉइस। यदि नारी शिक्षित होगी तो वो अपने चॉइस का, अपने पसंद का प्रोफेशन चुनकर उसमें आगे बढ़ सकेगी। एट्थ, एलिवेट पॉवर्टी, यानी गरीबी निर्धनता को दूर करने के लिए। यदि नारी शिक्षित होगी तो वो अपने घर में हाथ बटाएगी कि वो अपनी निर्धनता, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने निर्धनता को दूर कर सके, क्योंकि वो भी प्रोफेशनली कुछ कर सकती है। और आज की नारियों की स्थिति तो आप सभी जानते हैं कि पुरुषों से कम नहीं है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में आगे हैं। कई सारे अध्ययनों के द्वारा यह बताने का प्रयास किया जाता है हमेशा कि महिलाएं किसी भी प्रकार से पुरुषों से पीछे नहीं हैं। समाज में व्याप्त लिंग के आधार पर असमानता को समाप्त करने व लिंग के आधार पर विभिन्नता को समाज के सामने लाने में कई सारी स्टडीज़ की गई हैं, और इनसे यही सामने आया है कि महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ हैं, पुरुषों के बराबर हैं, किसी भी मायने में उनसे पीछे नहीं हैं। इस प्रकार महिलाओं का अध्ययन केवल ज्ञान बढ़ाने में ही सहायक नहीं होता, बल्कि इसके द्वारा महिलाओं से संबंधित समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास किया जाता है, महिलाओं को सशक्त किया जाता है, और पुरुषों से यह पूछा जाता है कि समाज में लैंगिक असमानता क्यों विद्यमान है। महिलाओं का अध्ययन मुख्यतः सेक्स से जोड़ा जाता है कि ये फीमेल है, ये मेल है, उसके बेसिस पे कंपैरिजन एट्सेट्रा। इस प्रकार नारी के जो अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है वो मेनली 4-5 पॉइंट में डिफाइन करती हूँ। पहला तो ये कि समाज में जो लैंगिक असमानता के प्रति जागरूकता पैदा करना व इससे दूर करने का भरपूर प्रयत्न करना, इसलिए ज़रूरी है। दूसरा, समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर करना। तीसरा, उन फैक्ट्स को समझना जो कि लैंगिक असमानता में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। चौथा, महिलाओं के परिवार में आर्थिक रूप से व समुदाय में किए गए उनके योगदानों के महत्व दिलाना। नेक्स्ट एंड लास्ट, महिलाओं को स्वयं के बारे में परिचित कराना। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होती है ना, महिलाओं खुद को पहचाने, खुद को जाने, खुद के बारे में परिचित हों कि वो क्या हैं और वो क्या कर सकती हैं। अगर वो ये नहीं पहचानेंगी, ये नहीं जानेंगी, तब तक वो परिवार में या खुद की या समाज की कोई मदद नहीं कर सकती। महिलाओं के विद्यालयीकरण की भारत में, जैसे भारत जैसे कि एक प्रजातांत्रिक देश है, उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है गर्ल्स एजुकेशन की। जैसे कि बालिकाओं का जो विद्यालयीकरण है उसे अनिवार्य व सार्वभौमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए, और किया भी जा रहा है। और बालिकाओं का विद्यालयीकरण देश की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। बालिकाओं के लिए विद्यालयीकरण की आवश्यकता तथा महत्व इसलिए भी है क्योंकि इनकी शिक्षा के द्वारा ही सांस्कृतिक विकास होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हेल्थ को इम्प्रूव करने में, लाइफ को इम्प्रूव करने में, जस्टिस के लिए, डिग्निटी के लिए, अपने प्रोफेशन को चुनने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नारी शिक्षा कितनी आवश्यक है। इसी तरीके से समाज में गतिशीलता व परिवर्तन लाने के लिए भी विमेन एजुकेशन बहुत आवश्यक है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जागरूकता के लिए भी नारी शिक्षा बहुत आवश्यक है। नारी शिक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्त्रियां परिवार को चलाने, भरण पोषण करने का कार्य संपन्न करती हैं। स्वास्थ्य व सफाई के विस्तार हेतु भी नारी शिक्षा अति आवश्यक है। अशिक्षा की समाप्ति के लिए नारी शिक्षा बहुत आवश्यक है। अशिक्षा की समाप्ति मतलब अज्ञानता को दूर करने के लिए। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला है कि यदि हम एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो वो पर्टिकुलर एक पुरुष को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम एक नारी को पढ़ा रहे हैं, एक औरत को पढ़ाते हैं, तो वो पूरे घर की शिक्षा को, हम घर को शिक्षा दे रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि एक स्त्री का उसके परिवार में क्या रोल होता है।
जैसे कि सभी जानते हैं कि माता प्रथम शिक्षिका है, अर्थात उनकी शिक्षा की आवश्यकता अत्यधिक है। यानी हर माता को शिक्षित होना चाहिए, हर स्त्री को शिक्षित होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी कई सारे कदम हमारी सरकार द्वारा उठाए गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं मोदी सरकार, जैसे कि बहुत ही प्रचलित नाम हो गया अब तो मोदी सरकार, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़, बहुत सारे ऐसे उन्होंने पॉलिसीज़ और ऐसे प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, नारी सशक्तिकरण हो सके। और नारी शिक्षा के लिए उन्होंने कई सारे ऐसे आंदोलन चलाए हैं जिससे कि नारी शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। वैसे देखा जाए तो नारी की शिक्षाओं में कई सारे अवरोध आ जाते हैं, रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि असमानता, सह शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, जागरूकता का अभाव, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ व दृष्टिकोण, आर्थिक कारक, संसाधनों का अभाव, प्रोत्साहन की कमी, विद्यालयों का दूर होना, घरेलू कार्यों में औरतों का ज़्यादा संलग्न होना, स्त्रियों का साइकोलॉजी, असुरक्षात्मक वातावरण, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ऐसी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से नारी शिक्षा थोड़ा पीछे रह जाती है। ये प्रॉब्लम्स आती हैं नारी शिक्षा के रिगार्डिंग, और इनका समाधान भी हम अच्छे से कर सकते हैं। हम लैंगिक भेदभाव को समाप्त करके और समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों को इस विषय में जिम्मेदार बना के, सह शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ला के, और समाज सुधार के लिए कई सारे कार्यक्रम चला के, निर्धनता को दूर करने के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों का विकास करके, महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति करके, ऐसे कई सारे समाधान हैं जिनका हम लागू करके नारी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। इफ़ यू एडुकेट अ मैन, यू एडुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एडुकेट अ वुमेन, यू एडुकेट अ फैमिली और नेशन। अगर आप एक इंसान को एडुकेट करते हैं, एक पुरुष को एडुकेट करते हैं, तो आप उस इंडिविजुअल को एडुकेट करते हैं। लेकिन यदि अगर आप एक औरत, एक नारी को एडुकेट करते हैं, तो आप एक पूरे परिवार या एक पूरे नेशन या राष्ट्र को एडुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं, ऐसा डॉक्टर जेम्स ने बोला है। तो इस तरह आज मैंने बताया कि नारी शिक्षा क्या है और उसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, किस तरह नारी शिक्षा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए आवश्यक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।